नमस्कार, देश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव मंडाल और पवन जल्लाद ने दो निर्भया कांड दोषियों को फांसी देने से पहले एक बयान दिया। जी हां, पवन जल्लाद ने कहा कि दोषियों को फांसी देने से 130 करोड़ भारतीयों को, देशवासियों को मिलेगी खुशी। 130 करोड़ भारतवासियों को भी मिलेगी, जो उसके लिए भाई के माँ बाप है उनको भी खुशी मिलेगी। मेरठ में रहने वाले पवन जल्लाद ने दिल्ली आने से पहले बोला कि अब वो दिल्ली जाके जो तिहाड़ जेल में जो कैदी होते हैं, जो उनके लिए फंदा तैयार होता है, वो खुद अपने हाथों से वो फंदा तैयार करेंगे और खुद जो तख्ता होता है जिसपे कैदी खड़े होते हैं, उसके बाद वो तख्ता नीचे से खुल जाता है और कैदी और जो जिसको फांसी होने वाली होती है वो फांसी में हवा में लटक जाता है, वो खुद तैयार करेंगे। तैयार उसके जो ट्रायल करूंगा, उनका देखूंगा, तख्ता देखूंगा, चेक करूंगा, रास्ते चेक करूंगा। पवन जल्लाद ने बताया कि ये जो तख्ता और जो ये फंदा होता है, ये कैदी के वेट के हिसाब से हर बार तैयार होता है कि जितना कैदी का वेट होगा उस हिसाब से ये तख्ता और ये फंदा तैयार करा जाता है। पवन जल्लाद ने कहा कि ये तख्ता फंदा वो खुद अपने हाथों से बनाएंगे और पवन जल्लाद इसको खुद जांचेंगे, परखेंगे और इसका ट्रायल पहले खुद पवन जल्लाद करेंगे और उसके बाद दोषियों को फांसी के फंदों पर लटकाया जाएगा। पूरा भारत देश इसकी उम्मीद लगाए बैठा है। तैयार उसके जो ट्रायल करूंगा, उनका देखूंगा, तख्ता देखूंगा, चेक करूंगा, रास्ते चेक करूंगा और उसका जो है भाई वेट चेक करना है उनका, एक दिन जो है ट्रायल का, एक दिन फांसी का। पूरा भारत देश इसका इंतजार कर रहा है कि निर्भया कांड के जो दोषी थे उनको फांसी कब मिलेगी और इस फांसी की उम्मीद हर माँ बेटी और पूरा देश कर रहा है कि ये फांसी जल्दी से जल्दी दोषियों को मिले। और पवन जल्लाद ने भी यही कहा है कि ये दोषियों को फांसी देने के बाद 130 करोड़ देशवासियों को जो खुशी मिलेगी उससे बड़ी खुशी और कोई नहीं होगी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।